ऑल हेलो टू ऑल क्लास 12th। हम चल रहे हैं किस पे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीस्कोप। क्या है टेलीस्कोप? चलिए, टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप वो है जिससे हम दूर की चीजें देखते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो चीजें दूर हैं उनको देखने के जो डिवाइस काम आता है वो डिवाइस हमारा क्या कहलाता है? टेलीस्कोप। बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नंबर टू, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, हमारे सिलेबस में है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो हम ये पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ये है, तो हमें इस पे ही ध्यान देना है। ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स या स्पेस। यूनिवर्स या स्पेस के ऑब्जेक्ट्स जो देखने के काम आते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, विच इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इट गिव्स अस इन्वर्टेड इमेज। ये हमें क्या देता है? इन्वर्टेड इमेज देता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को दो वेज में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन टू एडजस्टमेंट। नंबर वन, प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट। प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट क्या है भाई? वो एडजस्टमेंट इन दिस द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर फाइनल इमेज बनती है। क्लियर है? बोलिए। तो चले इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस एडजस्टमेंट द लेंस विच इज नियर टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द लेंस विच इज नियर टू इमेज इज कॉल्ड इमेज या आई इज कॉल्ड आई लेंस। जो क्या है? आई लेंस होता है। इमेज की बजाय हम आई कहें तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा हमारा विल बी ऑफ लार्ज एपरेचर एंड लार्ज फोकल लेंथ। ठीक है, उल्टा हो जाएगा किससे?
माइक्रोस्कोप से. स्मॉल एपरेचर एंड स्मॉल फोकल लेंथ, उल्टा हो जाएगा उससे बिल्कुल. क्लियर? चलिए फिगर बनाते हैं. पहले ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है बड़ा, ठीक है, क्लियर है, बड़ा हो गया हमारे पास. बोलिए तो यहां हम क्या करेंगे, इस केस में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारा आई लेंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको कह दिया ओ डैश. इमेज ऑब्जेक्ट कहां है हमारे, हेमिनली ऑब्जेक्ट यानी जो आकाश में है, वहां से रे ऑफ लाइट क्या आएगी, पैरेलल, क्योंकि इनफाइनाइट पर है वो ऑब्जेक्ट, वहां से रे ऑफ लाइट क्या आएगी, पैरेलल. जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है वो सारी जाकर कहां मिल जाती है, आपको पता है, फोकस पर मिल जाती है. कहां मिल जाती है, किसी भी लेंस के लिए जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स आती हैं, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, वो हमेशा कहां मिलती हैं, जाकर फोकस पर मिलती हैं. तो इनफाइनाइट से लेंस रे ऑफ लाइट आई और हमारे ए बी हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई. कहां पर हमारी इमेज बन गई, फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस पर, क्योंकि ये फोकस पर मिली है, एफ ओ. अब आई लेंस छोटा है और उसको ऐसे एडजस्ट करना है, आई लेंस को ऐसे एडजस्ट करना है कि इसको कह दिया ओ टू, ये ओ वन, ये ओ टू, कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और इसके ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के कहां आए, बीच में आए. देखो इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, इसकी फोकल लेंथ छोटी है, ये स्मॉल फोकल लेंथ का है. अब किसी लेंस के लिए इधर भी इतना ही फोकल लेंथ, आई पीस के लिए फोकल लेंथ इधर भी फोकस, एफ ई. ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी, वो जाएगी फोकस में से, क्लियर, कई एक जाएगी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर में से गई. ये आगे कहीं नहीं मिल रही, देखो फैल रही है. अब ये फैल रही है तो हम क्या करेंगे, इनको धीरे धीरे पीछे करेंगे. इनको हम पीछे करेंगे तो जहां ये जाकर, कहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, जहां ये जाकर मिलेंगी वहां हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, और ये इमेज बनेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन डी पर. क्लियर है? बोलिए. यानी कि हमारे पास क्या केस बना है, पहले इनफाइनाइट से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट बड़े कॉन्वेक्स लेंस ने, इसको आई लेंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं, उसने फोकस भी इकट्ठा कर दी, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर इमेज बन गई हमारी ए बी. इसको ऐसे एडजस्ट किया कि ये आई लेंस के कहां आए, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए, तो हमारे को इसकी कैसी मिलेगी, रियल, सॉरी इन्वर्टेड, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने इसको रख दिया तो हमारे पास इसकी इरेक्ट, इमेजिनरी और लार्ज इमेज बन जाएगी एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, क्लियर. अब हमें उसकी तरह निकालनी है इसकी क्या, मैग्नीफाइंग पावर. सेम वही तरीका है हमारे पास, और कोई तरीका नहीं है. नाउ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग पावर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई when it is at least distinct vision to the angle made by object on eye when it is at infinite. क्लियर है? हमारे पास क्या है, देखियो, जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते थे माइक्रोस्कोप की तो हम लेते थे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, एंगल जो आई पर बनता था. इसमें हमने क्या किया है, ये फाइनल इमेज है, यहां हमारी आई है, ठीक है, हेयर इज अवर आई जहां से हम देख रहे हैं.
तो जो एंगल इमेज ने बनाया है, इमेज फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया है आई पर, वो तो ये हो गया बीटा। कितनी दूरी पर है? लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर। उसने जो एंगल बनाया तो बीच वाली रे ले लेंगे हम, बीच वाली रे ऑफ लाइट। उसने एंगल बनाया है ये, देखो यहां पर जो एंगल बनेगा अल्फा, ये रहा एंगल इस इमेज के साथ। ठीक है, क्लियर? ओके, यानी इमेज तो इनफाइनाइट पे हो जब उसने एंगल बनाया, सॉरी ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे हो जब उसने जो एंगल बनाया, और इमेज कहां हो? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, जब उसने जो एंगल बनाया। तो ये रे ऑफ लाइट यहां आई, यहां से आई के पास गई, तो इसने आई पर एंगल बनाया अल्फा, ये हो गया एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, ये हो गया बीटा एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई। अब इसको सोल्व करते हैं हम, जैसे हमने पहले किया था। देन एम इज इक्वल टू एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। जबकि इमेज तो कहां है? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, और ऑब्जेक्ट कहां है? हमारा इनफाइनाइट पर। तो एंगल हो गया बीटा बाय अल्फा, नियरली इक्वल टू कह दिया मैंने 10 बीटा बाय 10 अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर एम हो गई 10 बीटा, ये रहा देखो ए डैश बी डैश अपॉन में ओ टू बी वन, यही हुआ ना, ए डैश बी डैश अपॉन में ओ टू बी वन बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है हमारे पास? ये बेस, ए डैश बी डैश अपॉन परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा ये, और बेस हो गया ओ टू बी डैश, ओ टू बी डैश ये वाला पॉइंट बी डैश है। ठीक है, ओ टू बी डैश, क्लियर है? बोलिए अब आ जाओ किस पर? हमारे टेंजेंट अल्फा पर। किस पर आ जाओ? टेंजेंट अल्फा पर। चलिए टेंजेंट अल्फा देखते हैं हम। वैसे अगर आप ये ट्रायंगल ले लें, ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, तो और इजी हो जाएगा करना। इसमें टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा हमारा? ए बी अपॉन ओ टू ए, ये हो जाएगा ना, क्लियर है? तो मैं इसको काट के क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं ए बी अपॉन ओ टू ए, ए बी परपेंडिकुलर ओ टू ए बेस। अब टेंजेंट अल्फा इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें ये ट्रायंगल है ना, देखना एक बार फिर से दिखा रहा हूं मैं। हमारे पास टेंजेंट बीटा हमने ले लिया, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस हो गया ये, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन में ओ टू ए, ए बी अपॉन में ओ टू ए। ठीक है, अब टेंजेंट अल्फा ये वाले ट्रायंगल ले ली मैंने, दिस वन ट्रायंगल, दिस वन, ये वाले ट्रायंगल ले लिया हमने। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या हो गया? परपेंडिकुलर तो ए बी और बेस ओ डैश ए या ओ वन ए, ए बी अपॉन ओ डैश ए इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं, करें इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ओ टू ए इन टू में ओ डैश ए अपॉन ए बी, ये आ गया ओ डैश ए अपॉन ओ टू ए। चलो भाई अब इसको देखते हैं, ये क्या है हमारे पास? ओ टू ए, इसको बोल जाओ अभी, ये है ऑब्जेक्ट किसके लिए? आई लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच की दूरी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई लेंस के लिए यूई, क्लियर? ठीक है, ओ डैश ए क्या है आपके पास? ओ डैश से लेके ए तक, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास? इन दोनों के बीच का फोकल लेंथ, किसका? ऑब्जेक्टिव का, हो गया ना। तो एम आ गया आपके पास, ओ डैश ए आ गया आपके पास क्या? ओ डैश ए फोकल लेंथ एफ ओ, इसके लिए राइट हैंड साइड पॉजिटिव, और ओ टू ए क्या आ गया आपका? यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस के एफ ओ इंटू में वन बाय यू ई, दिस इज इक्वेशन नंबर वन।
ठीक है। नाउ लेंस फार्मूला लगा दो, नाउ अप्लाई लेंस फार्मूला इन आई लेंस, आई लेंस में लगाओ लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u, ये होता है लेंस फार्मूला हमारे पास, क्लियर है। आई लेंस में लगा रहे हैं तो फोकल लेंथ होगी 1/fe = 1/v, वी क्या है आपके पास, इसके लिए हमारे पास, ठीक है, इसके लिए आई लेंस के लिए वी, फाइनल इमेज डिस्टेंस क्या है, डी, क्योंकि लेंस डिस्टेंस विजन हमने लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, यू यू ई है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये भी लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ये आ गया -1/d +1/ue आ गया, इसको यही रख लो, 1/ue = 1/d इधर आ गया, 1/fe + 1/d, 1/ue इक्वेशन वन में पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रहा मैग्नीफाइंग पावर m = -kFo (FE)(1/d), ठीक है, क्लियर, बोलिए चलो आगे, चलो माइनस के FO बाहर LCM ले लिया मैंने, कैपिटल लिख दो चाहे स्मॉल लिख दो, सेम लिखना, मैंने दोनों अलग अलग कर दिया, आप कैपिटल लिख लीजिए, चलो FE (d), यहां FE है तो यहां आ गया D, यहां आ गया FE, ठीक है, क्लियर, बोलिए। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ गया -kFo (FE)(d), इसको सोल्व करते हैं अब अपना, तो क्या आएगा आपके पास, D + FE / FED, मैंने क्या किया FE को बाहर ले आया, ये बन गया D + FE / D, और इसको सोल्व किया तो ये आ गया -kFo (FE)(d), दोनों के डिवाइड में आएगा ना, मैंने क्या किया है इसी इक्वेशन में क्या किया है, FE को बाहर ले आए, D को यहीं रख दिया, तो क्या हो गया आपके पास -kFo (FE), अब D दोनों के डिवाइड में है तो D/d 1 +kFe/d, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप (-kFo/FE)(1+kFe/d), दिस इज कौन सी एडजस्टमेंट है, ये हमारे पास प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट, जब हमारे पास क्या है फाइनल इमेज कहां बन रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज कहां बन रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, अब हमारे पास अगली एडजस्टमेंट है जो उसमें हमारी फाइनल इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर, कहां बनेगी इनफाइनाइट पर, ठीक है, उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा भाई हमारे पास, देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या है, इन दिस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट पे कैसे बनेगी, चलिए बनाते हैं फिगर, पहला लेंस बड़ा ऑब्जेक्टिव पीस में आई पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमेशा कहां मिलती हैं जाकर, फोकस पर, कहां मिलती हैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट, फोकस पर, मिल गई फोकस पर, हमारे पास क्या बन गई इमेज बन गई ये ए बी, तो इमेज बन गई ए बी कहां पर, पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस में मिली है जाके एफ ओ पर, फाइनल इमेज कहां बनानी हमें इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर कब बनेगी, जब दूसरे लेंस को जिसको हम आई लेंस है उसको ऐसे एडजस्ट करें कि ये ऑब्जेक्ट उसके लिए, ये इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और कहां पर हो, इसके फोकस पर ही हो,
यानी इसके फोकस पर ही रखेंगे तभी तो ये फाइनल इमेज कहां बनाएगा, इनफाइनाइट पे बनाएगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो फाइनल इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पर। इधर भी ले लिया हमने इतना ही, एफ ई पैरेलल गई, पैरेलल वाली चली जाएगी इसमें से फोकस में से, और एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से, वो सीधी चली जाएगी। ये दोनों किस में होगी, देखो पैरेलल होगी, पैरेलल कहां मिलेंगी, इनफाइनाइट पर। कहां मिलेंगी पैरेलल जाकर, इनफाइनाइट पर, क्लियर है, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। और फाइनल इमेज हमें कहां मिलेगी, इनफाइनाइट पर। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है। देन मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर एज इन प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट, मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू माइनस के एफ ओ बाय एफ ई इंटू में वन प्लस के एफ ई बाय डी था। क्यों, क्योंकि वहां पर फाइनल इमेज कहां बनी थी, एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, अब कहां बनी है, इनफाइनाइट पर। सो इन दिस डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू माइनस के एफ ओ बाय एफ ई वन प्लस के एफ ई बाय डी इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा हमारे पास, डी की जगह इनफाइनाइट रख दिया, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा जीरो, आ गया माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई, क्लियर है। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट।